फ्रेंड्स, ये वैगन आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्ट करने पे ये चेक इंजन लाइट की आ रही है। तो आज हम इस चेक इंजन लाइट को रिमूव करेंगे। कैसे हटाएंगे वो देखो स्कैनर से। आना है फिर एशियन में, क्योंकि हमारी जो मारुति है एशियन में आती है। ये मारुति इंडिया वाली कंफर्म लोडिंग हो रही है। ओल्ड मीनू में, क्योंकि हमारी अभी न्यू गाड़ी है नहीं। वैगनर इंजन कंट्रोल यूनिट मैनुअल ट्रांसमिशन है। एमटी रीड फॉल्ट कोड हीटर सर, मतलब जो एग्जॉस्ट वाला जो सेंसर लगा है H2O उसका आ रही है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा फोल्ड को इरेज करके देख लो। अगर इरेज होने पे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उस फोल्ड को देखना चाहिए। इरेज कर दिया है, तो जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर लगा है मैनिफोल्ड पे, तो उसका सर्किट लो है, मतलब कोई तार वार टूटी हुई है, तो वही देखते हैं। कैप इसकी वाइट आई थी, इसका ये जो वाइट तार है ये निकला हुआ है, इस वजह से हमारी ये लाइट आ रही थी। जैसे तार को बैठाएंगे रीड करके देखो, नो फॉल्ट। इसमें जो थी वो सेंसर की तार हटी हुई थी। ब्लिंक कर रही है करके, चेक इंजन लाइट की आ रही थी। उसके कारण क्या था, जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी वायर एक हटी हुई थी। तो कभी भी करो स्कैन तो हमेशा कोड को इरेज करके जरूर चेक कर लो, मतलब जो इरेज से होता है ना हल्का फुल्का, हट जाएगा तो हट जाएगा, नहीं तो जो इरेज करने के बाद भी आ रहा है तो उसे हम स्कैन के थ्रू जो फॉल्ट है उसी को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये थी वैगनर।